आज के इस वीडियो में अगेन मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हुए हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट से वो कौन से नंबर्स रिलेटेड हैं जो आपके नंबर में अगर हैं, आपके मोबाइल नंबर में हैं, तो आपको बेनिफिट्स देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो कौन से नंबर आपके मोबाइल नंबर में होना चाहिए, एंड यस सम क्विक रेमेडीज फॉर योर मोबाइल नंबर। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। तो जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है ना, आई थिंक इट इज काइंड ऑफ समथिंग जो मैंने नोटिस किया है, आई हैव ऑब्जर्व्ड विद माय एक्सपीरियंस, पीपल आर गेटिंग रियली इंटरेस्टेड एंड उनमें ये अवेयरनेस आ रहा है कि जो मोबाइल नंबर की एनर्जीज है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज द मोमेंट वी ओपन आर आईज, यू नो, वी आर ऑन आर फोन, इनफैक्ट हम जब सोते भी हैं तो मोबाइल को एकदम अपने पास रख के सोते हैं, तो इसकी एनर्जीज हमारी लाइफ में कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं वो एक अच्छे नंबर्स का, यू नो, मेल जोल हो। तो आज मैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो आपको ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल नंबर में हो। फर्स्ट थिंग जो वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेरी है आप सबका कि मैम आई एम इन्वेस्टिंग या आई ट्रेड इन स्टॉक्स, मैं स्टॉक मार्केट में काफ़ी इन्वेस्ट करता हूँ, काम करता हूँ, सो व्हाट आर दोज नंबर्स जो मेरे मोबाइल नंबर में होना चाहिए जो मुझे फ़ायदा देंगे। सो सी देयर आर फ्यू नंबर्स जो आपके स्टॉक मार्केट में आपको हेल्प करते हैं, विच इज 4, 3 and 5। जो 4 है वो है राहु का नंबर, यू नो, टेक्नोलॉजी, सोचने, राइट डिसीजन लेने की वो आपको क्षमता देता है। 3 जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, यू नो, एक्सपेंसिव, एंड 5 जो है वो है मर्क्यूरी। सो ये 3 नंबर्स अगर आपके मोबाइल नंबर में राइट कॉम्बिनेशंस एंड राइट प्लेसमेंट में आए, जिससे कि वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करे, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन स्टॉक मार्केट। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो इन 3 नंबर्स के कॉम्बिनेशंस, एज आई सेड, एट द राइट प्लेस, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन करे, अगर होंगे तो वो आपको डेफिनेटली फायदा करेंगे। सो अगर आप वो खुद से नहीं वर्कआउट कर सकते हो, सो डू बुक अ पर्सनल कंसल्टेशन विद अस एंड वी विल हेल्प यू। सेकेंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज पीपल वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी एंड उन्हें नहीं पता कि कौन से नंबर्स जो मोबाइल के थ्रू उन्हें बेनिफिट कर सकते हैं, तो वो है 2, 5 and 8। हम इसे सेकेंड राजयोग या सिल्वर राजयोग का भी कॉम्बिनेशन कहते हैं। सो ये नंबर्स आपको प्रॉपर्टीज, खुद के लिए प्रॉपर्टीज बिल्ड करने में, बनाने में, यू नो, आपको काफ़ी मदद करती हैं। बट अगेन एट द राइट प्लेसमेंट, हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये नंबर्स आपके चार्ट्स में ऑलरेडी ओवरली प्रेजेंट ना हो, उनका राइट बैलेंस क्रिएट करना है। अगर है ऑलरेडी और आपको उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, देन ऑल्सो वी हैव रेमेडीज एंड सोल्यूशंस फॉर यू, क्योंकि कोई चीज़ एक्सेस होने से भी उसकी अच्छाई कम हो जाती है, वी स्टार्ट गेटिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट, सो वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस फॉर दैट एज वेल। बट ये नंबर्स आपको डेफिनेटली प्रॉपर्टीज, खुद के लिए प्रॉपर्टीज खड़े करने में काफ़ी मदद करते हैं। नाउ द थर्ड वेरी कॉमन क्वेश्चन इज, यू नो, कि इट इज पीपल कम एंड टेल मी कि मैम हमारे लिए हमारा मोबाइल नंबर चेंज करना पॉसिबल नहीं है, बट बिकॉज आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं या मुझसे अपना नंबर चेक करवाया है, सो यू नो कि आपके नंबर में कुछ मैलिफिक कॉम्बिनेशंस है, एंड जो काफ़ी मैलिफिक है उनका पोजिशन भी गलत है, वो कॉम्बिनेशंस भी गलत है, वो आपके डेट ऑफ बर्थ से भी अलाइन नहीं कर रहा है, एंड यू कैन ऑलरेडी फील कि वो काफ़ी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं आपके जीवन में। तो मैम इस सिचुएशन में हम क्या करें? सी, आई वुड स्टिल रेकमेंड कि आप कोशिश करके मोबाइल नंबर ही चेंज कीजिए, बिकॉज उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। हाँ, आप जब मोबाइल नंबर चेंज करते हो, आई नेवर टेल एनी ऑफ माई क्लाइंट्स कि आपको ओवरनाइट चेंज करना है, डू इट ग्रेजुअली। आप नए नंबर जो हमने आपको रेकमेंड किया है, गाइडलाइंस दिए हैं, उस हिसाब से आप लीजिए एंड ग्रेजुअली चेंज कीजिए, सो दैट यू कैन शिफ्ट ऑल योर वर्क, ऑल योर
योर कॉन्टैक्ट्स ऑन टू द न्यू नंबर एंड देन आप पुराने नंबर को धीरे धीरे कम 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 करते हुए उसे बंद कर सको. दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर श्योर. हाउएवर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो काफी मैलिफिक है एंड स्टिल यू नो आपके लिए नहीं चेंज करना पॉसिबल है नंबर फॉर वॉट एवर रीजन, तो हम उनके रेमेडीज भी देते हैं. लाइक सपोजिंग यू नो इफ यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 4, and 4, 1 एट द रॉन्ग प्लेस इन योर मोबाइल नंबर, ओके, ये आपको काफी इश्यूज देता है, तो इसकी हम रेमेडी कर सकते हैं. एक बहुत सिंपल सा रेमेडी है कि यू कैन स्टार्ट फीडिंग द काउज यू नो ग्रीन ग्रास आप गाय को खिला सकते हैं, तो इसके जो मैलिफिक इफेक्ट्स होते हैं वो कम होने लग जाते हैं. सिमिलरली यू नो 2882 इज नॉट रिकमेंडेड इन योर मोबाइल नंबर क्योंकि वो आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज देते हैं, तो इसके भी रेमेडीज हैं. जैसे यू नो यू कैन कलेक्ट 1 रुपी कॉइन फ्रॉम यू नो सैटरडे टिल द नेक्स्ट सैटरडे, तो वो 8 कॉइन कलेक्ट हो जाएंगे एंड देन गो टू एनी शनि मंदिर एंड वहां पे आप डोनेट कर दो उन 8 कॉइन्स को. देन अगेन फ्रॉम द दैट सैटरडे अगेन कलेक्ट 1 कॉइन टिल द नेक्स्ट सैटरडे मॉर्निंग एंड अगेन गिव दैट. सो दैट ऑल्सो कुछ हद तक 2-8 के कॉम्बिनेशन के जो मैलिफिक इफेक्ट है उसे कम कर देते हैं. So these are some of the remedies and there are a lot of malefic numbers या repetitive numbers जो हमें you know negative impact दे रहे हैं and we need to reduce the impact. So as I said the best remedy is कि आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज करके एक अच्छे बेस्ट कॉम्बिनेशन पे लाओ. अगर नहीं पॉसिबल है तो डू कॉन्टैक्ट अस, वी विल गिव यू द रेमेडीज. यू नो हमारे साथ जुड़िए, आप कंसल्टेशन लीजिए एंड यू कैन सी द पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ. Thank you so much for watching our videos. I hope you are liking it. Ye aapke jeevan mein, you know, it is bringing in some positivity and it is helping you lead a better life. So do like our videos, share, comment, you know, subscribe to our channel and let us know in the comments ki how we can improve. What else do you want to know? We will definitely try and do our best. Thank you so much for watching us.